नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। राहुल गांधी का सुर्खियों में रहना आम बात है। कभी अपनी रैलियों को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी डोसा बनाने के वीडियो के साथ राहुल सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वो लोकसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से सुर्खियों में थे और अब फिर एक बड़ा कारण सामने आया है। इस बार बंगले में नहीं जाने के कारण राहुल गांधी सुर्खियों में आ गए हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने पुराने सरकारी बंगले में नहीं लौटे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी अभी भी सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी अब कब अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में लौटेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में गुजरात की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। मानहानि मामले में दोषी पाए जाने और 2 साल की सजा होने के बाद नियमों के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अपना नई दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला 23 अप्रैल 2023 को खाली करना पड़ा था। राहुल गांधी तकरीबन 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे। सरकारी बंगला खाली कर राहुल गांधी 10 जनपद वाले सोनिया गांधी के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। 137 दिनों तक संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद बीती 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो गई और 8 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को उनका पुराना 12 तुगलक लेन वाला बंगला फिर से आवंटित कर दिया। हालांकि 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी अभी तक पुराने बंगले में नहीं लौटे हैं और अभी भी 10 जनपद से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।